लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। बलिया फेफना पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मुकदमा संख्या 190/20 धारा 302/307 भादवी थाना कोतवाली से संबंधित 25,000 रूपए का इनामी अभियुक्त तथा थाना कोतवाली का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। कब्जे से 1 अदद अवैध रिवॉल्वर व 3 अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फेफना पुलिस तथा एसओजी टीम बलिया की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16 अगस्त को रसड़ा बलिया जाने वाले मार्ग पर पियरिया तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वाहन चेकिंग एक व्यक्ति रसड़ा से बलिया की ओर आता दिखाई दिया, जो पुलिस वालों को देखकर गाड़ी मोड़कर भागने लगा और लड़खड़ा कर गिर गया, जिसे मौके पर समय रात्रि गिरफ्तार किया गया। जमा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद अवैध रिवॉल्वर, 3 अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर व 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सत्येंद्र यादव पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी माधोपुर केसरवानी टोला थाना कोतवाली बलिया के मुकदमा संख्या 190/20 धारा 302, 307, 120B भादवी थाना कोतवाली बलिया का वांछित एवं इनामी व थाना कोतवाली का टॉप 10 अपराधी है, जो दिनांक 25 जून को अपने साथियों के साथ पुरानी दुश्मनी को लेकर उक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हुए राजेश सिंह उर्फ मिंटू सिंह निवासी टकर सन थाना बांसडी रोड जनपद बलिया की गंगा घाट व हनुमान मंदिर के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 153/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिग्रहण थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय रवाना किया जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 25/6/20 को थाना कोतवाली अंतर्गत गंगा घाट व हनुमान मंदिर के बीच में राजेश सिंह उर्फ मिंटू सिंह निवासी टकरसन थाना बासडी रोड के दिन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत है। घटना को कारित करने वाले अभियुक्त सत्येंद्र यादव तब से वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे तथा गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। फेफना पुलिस द्वारा बीती रात पेरिया तिराहा से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 1 अवैध रिवॉल्वर, 32 बोर तथा 3 कारतूस बरामद हुआ तथा मोटरसाइकिल भी 1 मिली है। इसके ऊपर पहले भी कई अभियोग दर्ज हैं। इन्हें गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है।